हरे कृष्ण बच्चों, वेलकम बैक क्लास 10। और हम करें यूनिट थर्ड दोषर वाले रैखिक समीकरण युग्म यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल और एक्सरसाइज 3.4 हम यहाँ पे शुरू कर रहे हैं। उससे पहले एक्सरसाइज 3.4 हम शुरू कर चुके हैं, यहाँ पे हम दूसरा पार्ट शुरू करना है। हमें दूसरे पार्ट में स्टेटमेंट के 5 क्वेश्चन है ना, और आज हम यहाँ पे इसको स्टेटमेंट के 5 क्वेश्चन है पहला और दूसरा कवर करेंगे। और पहले क्वेश्चन में बिना स्टेटमेंट 4 क्वेश्चन तो जो कि जिसका मैं वीडियो बना चुका हूँ, और मतलब अगर वो आपको देखना है तो आपको मेरे पहले वाला जो वीडियो वो देखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। देखो ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं, इससे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हमें क्या करना है, जैसा जैसा स्टेटमेंट बोला गया उसकी मदद से हमें इक्वेशन जनरेट करना है। और इक्वेशन जनरेट कैसे होगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण, तो आपके पास दो चर वाले दो समीकरण जनरेट होंगे। उस समीकरण से हमें क्या करना है, क्योंकि 3.4 है और यहाँ पे हम एलिमिनेशन मेथड कर रहे हैं, तो एलिमिनेशन मेथड के माध्यम से हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करना। तो यहाँ पे लेते हैं हम सॉल्यूशन। आपके पास यहाँ पर देखो पहली लाइन देखो क्या कहता है, यदि हम अंश में एक जोड़ देते हर में से एक घटा देते। देखो यहाँ पे जब अंश और हर वाली बात आ जाए जहां पर, तो मैंने आपको पहले बताया कि आपको तीन लाइन फटाफट लिखना है। माना अंश क्या हो जाएगा आपके लिए x, और हर क्या हो जाएगा आपके लिए y, ठीक है। और भिन्न क्या होता है आपका, भिन्न होता है आपके पास अंश बटा हर, ठीक है। तो अंश हो गया x और हर क्या हो गया y। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो ये तीन लाइन तो आपको लिखना है, फिर देखो क्या पढ़ना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका क्या देगा, पहला स्टेटमेंट देगा, पहला इक्वेशन देगा आपको। कहते यदि अंश में एक जोड़ दे और हर में से एक घटा दे। अंश में क्या करना है, एक जोड़ना है, और हर में से क्या करना है, एक घटाना। तो हमें क्या देता है, भिन्न क्या देता है, वो एक देता है। तो इसको हम बोलेंगे प्रसन्न अनुसार पहली अवस्था में क्या हो जाएगा, ये पहली अवस्था यानी पहला कंडीशन। पहली अवस्था में कहता है अंश में एक जोड़ दे, तो मैंने एक जोड़ दिया, हर में से एक घटा दे, मैंने घटा दिया, क्या प्राप्त होता है, एक बटा एक प्राप्त होता है, ठीक है जी। अब यहाँ से मैं करता हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये हो गया एक्स प्लस में वन, और एक्स प्लस में एक से गुना करेंगे तो एक्स प्लस वन ही आएगा, उसमें गुना करूँगा तो वाई माइनस वन, एक मतलब एक से मल्टीप्लाई तो सेम यही आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, एक्स ये वाई इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस का इधर आकर माइनस हो गया, माइनस का और ये वन इधर आकर क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो एक्स माइनस में वाई इक्वल टू माइनस का टू आ गई, समीकरण नंबर एक बन गया आपका, ठीक है। अब हम यहाँ बात करेंगे दूसरी अवस्था में। तो दूसरी अवस्था में देखो क्या कह रहा है, जो दूसरी लाइन है इस क्वेश्चन में, वो दूसरा कंडीशन देगा, हमें दूसरा कंडीशन देगा, और उसकी मदद से हम क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड निकालेंगे। देखो यहाँ पे कहता है यदि हर में एक जोड़ दें, हर में एक जोड़ दे, एक बटा दो प्राप्त होती है। हर में बोला एक जोड़ने के लिए, अंश के लिए कुछ नहीं बोला, तो क्या करना है, अंश कुछ नहीं करना, और हर में आपको एक जोड़ना है। तो मैंने हर क्या होता है, वही है, देखो अंश ये हर ये, तो उसमें मैंने एक जोड़ दिया है ना, तो क्या प्राप्त होता है, एक बटा दो प्राप्त होता है। फिर मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर देखो दो जैसी क्रॉस मल्टीप्लाई, टू एक्स है ना, दो गुना किया तो टू एक्स हो गया, और यह वाई प्लस में वन। अब ये क्या हो, टू एक्स ये वाई इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये वन इधर आ गया, ये समीकरण नंबर दो। तो अब क्या देख रहे हैं यहाँ पर, मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखो ये क्योंकि हम यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड कर रहे हैं, तो एलिमिनेशन मेथड में दिस इज द इम्पॉर्टेंट कि आपके पास कोई एक चर बराबर होना चाहिए, है ना। तो मैं यहाँ क्या देख रहा हूँ, समीकरण जब एक मैंने बनाया, ये वाई है और ये समीकरण नंबर दूसरा यहाँ पे वाई है, देखो दोनों वाई और ये जो वाई वाला चर, वो दोनों क्या बिल्कुल बराबर है। अगर ये बराबर है तो हमें अलग से इन दोनों समीकरण को मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता है नहीं, और एक देखो पहले से माइनस का है, दूसरा भी माइनस का है। तो अगर ये दोनों ही समीकरण माइनस में है, जो चर बराबर है, तो अगर दोनों ही माइनस में, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, घटाने पर। तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिखूंगा समीकरण एक में से दो को घटाने पर, समीकरण एक में से दो को घटाने पर, देखो दो को जब हम घटाएंगे तो घटाने पर क्या, देखो एक्स माइनस में वाई, ये माइनस का दो हो गया, और ये अगर टू एक्स माइनस में वाई इक्वल टू वन होगा, ठीक है। घटा रहा हूँ मैं, ये प्लस का देखो माइनस, ये माइनस का ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस का तो ये माइनस हो जाएगा, कट जाएगा। अब देखो एक्स ये माइनस का टू एक्स, और ये एक एक्स घट गया, तो ये माइनस का एक्स आएगा, माइनस का एक्स क्यों आएगा, दो बड़ा है, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, निशान माइनस का, ठीक है ना। तो ये देखो ये भी माइनस माइनस कैंसिल होगा, एक्स इक्वल टू क्या आ गया, थ्री आ गया। देखो एक्स की वैल्यू आपके पास क्या आ गया, थ्री आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, वाई की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स का मान समीकरण किस में रख लेंगे हम, समीकरण एक में रख लो, दो में रख लो, आपकी मर्जी, एक में रख लेता हूँ मैं, समीकरण एक में रख लेकर, समीकरण एक में रखा मैं, समीकरण एक आपके पास एक्स माइनस वाई इक्वल टू माइनस का टू, टैक्स ये क्या रखना, थ्री माइनस का वाई माइनस का, तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो माइनस का टू, ये प्लस का तीन धरा कर क्या हो जाएगा, माइनस का तीन हो जाएगा,
होगा माइनस का 5, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, वाई बराबर क्या आ गया, 5 आ गया। तो देखो यहाँ पर क्या आ गया आपके पास, एक्स इक्वल टू 3 और वाई इक्वल टू क्या हो गया, 5 हो गया, है ना। तो यहाँ पे क्या हमें क्वेश्चन क्या निकालना था, भिन्न निकालना है आपसे। क्वेश्चन में क्या पूछा है, भिन्न ज्ञात कीजिए। तो भिन्न क्या हो जाएगा आपके लिए, भिन्न था आपके पास एक्स अपॉन में वाई, तो एक्स की वैल्यू 3 और वाई की वैल्यू आपके पास 5, तो इस तरीके से 3/5 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड की। क्वेश्चन नंबर सेकेंड कहता है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। ठीक है, ये समीकरण ये यहाँ तक देगा आपके पास स्टेटमेंट 1। और फिर कहता है 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी थी, ये 2 गुनी थी। यहाँ से आपको मिलेगा सेकेंड इक्वेशन, और नूरी और सोनू की वर्तमान आयु को ज्ञात करनी है यानी। ठीक है, तो यहाँ पे जो ज्ञात कर रहा था उसी को मान लेते हैं ना इसके सॉल्यूशन में ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, इसके सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे कि माना नूरी की आयु, माना नूरी की आयु, तो नूरी की आयु हो गई आपके पास यहाँ पे एक्स वर्ष। ठीक है जी, अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर लिखेंगे सोनू की आयु, सोनू की आयु हो गई यहाँ पर आपके पास वाई वर्ष। ठीक है जी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहली अवस्था में, और पहली अवस्था हमारे पास जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 5 वर्ष पूर्व। क्या है, 5 वर्ष पूर्व। ठीक है जी, तो दोनों की आयु में से मैंने 5-5, अगर 5 वर्ष पहले जाना होगा तो दोनों की आयु में से क्या हो जाएगा, 5-5 वर्ष क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम कर दिया जी मैंने 5-5 वर्ष। ठीक है जी, अब कम करेंगे तो देखो कंडीशन क्या बोला है, 5-5 में नूरी का सोनू का कि 3 गुनी थी, इसकी आयु 3 गुनी थी, तो मुझे क्या करना है, सोनू में गुना करना है। नूरी को, नूरी की आयु 3 गुनी थी तो सोनू में गुना करना है, ताकि इक्वेशन क्या हो जाए, ये बराबर हो जाए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे गुना किया, देखो एक्स माइनस में 5 पहले से ही है, 3 से गुना किया तो 3y, और 3 से गुना करेंगे तो 3×15, तो एक्स वाले को एक तरफ लिया 3y। अब देखो एक्स 3 से 3y और 3×3×15, तो वाई वाले को इकट्ठा कर लेंगे, एक्स और वाई जो चर है वो एक तरफ हो जाएगा, तो वाई धराकर क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस का 15 पहले से ही है, ये 5 ही धराकर क्या हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा। तो एक्स माइनस में 3y इक्वल टू होगा माइनस का 10। देखो 15 में से 5 का तो माइनस का 10 आएगा, क्योंकि 15 बड़ा है। समीकरण नंबर क्या बन गया, इक्वेशन, ये आपका समीकरण नंबर 1 बन गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दूसरी जो लाइन हम यहाँ से देखते हैं 10 वर्ष पश्चात, है ना, यहाँ से हमें क्या मिलेगा, दूसरा इक्वेशन मिलेगा। कहता है 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी थी, 2 गुनी हो जाएगी। तो दूसरी अवस्था में, यहाँ पे मैंने लिखा दूसरी अवस्था में, अच्छा दूसरी अवस्था में क्या है, 10 वर्ष पश्चात बोला जाए, तो 10 वर्ष पश्चात में दोनों में 10 10, यहाँ पे लिख लेता हूँ पहले 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात। ठीक है जी, 10 वर्ष पश्चात हो गया आपके पास यहाँ पे। अब 10 वर्ष पश्चात तो क्या होगा, नूरी की आयु में 10 वर्ष बढ़ जाएगा, और सोनू की आयु भी क्या हो जाएगा, 10 वर्ष बढ़ जाएगा इधर। ठीक है, तो दोनों की जब आयु 10 वर्ष बढ़ जाएगी, तो अब यहाँ पे कंडीशन क्या बोला है, कंडीशन बोलता है जो नूरी की आयु सोनू की आयु की दुगनी हो जाएगी। नूरी की आयु के बारे में बोला, तो सोनू में क्या करेंगे हम, 2 से गुणा करेंगे, ताकि इक्वेशन क्या हो जाए, बराबर हो जाए। अभी हम सॉल्व करना शुरू करते हैं, एक्स प्लस में 10 और ये हो जाएगा 2y प्लस में 10 दूनी 20, 2y और ये 20 होगा। तो फिर चर वाले को एक तरफ कर लेते हैं, 2y इधर आकर माइनस हो जाएगा, और ये जो 20 पहले से थे 10 इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस होगा। तो यानी x माइनस में 2y इक्वल टू क्या आ गया, 10 आ गया। ये हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब यहाँ पे भी हम क्या देखते हैं कि जो चर है, यहाँ पे जो चर है x और यहाँ पे जो चर है x, ये दोनों क्या पहले से ही बराबर है, तो किसी समीकरण को अलग से आपको मल्टीप्लाई करने के लिए मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि चर क्या है, बराबर है। अच्छा, अब हमें ये सोचना है, मैं घटाऊँ समीकरण 1 और ये 2 को आपस में घटाऊँ या जोड़ूँ। तो देखो यहाँ पे x जो है वो प्लस का है, यहाँ पे भी x प्लस का है। अगर जिसको जो बराबर है और जिसे हमें कैंसिल करना है, अगर दोनों का जो चिन्ह है यानी वो बराबर हो, सेम हो, यानी दोनों प्लस का है दोनों माइनस को, तो लिखते हैं समीकरण को घटाने पर। ठीक है, क्या लिखेंगे, समीकरण एक में से 2 को घटाने पर, 2 को घटाने पर। ठीक है जी, अब यहाँ पे घटा लेते हैं हम लोग, तो घटाया मैंने समीकरण x माइनस में 3y बराबर माइनस का 10, और यहाँ हो गया x माइनस में 2y इक्वल टू 10। अब घटाने का निशान लगाया मैंने, ये प्लस का तो माइनस होगा, माइनस का तो प्लस हो गया, और ये भी क्या हो गया, माइनस का भी घट गया। देखो यहाँ पे 3 में से 2 क्योंकि प्लस का, ये माइनस का, तो आपस में घटेगा, 3y में से 2y गया तो माइनस का y, और यहाँ पे देखो दोनों ही माइनस का, ये भी माइनस का, तो माइनस माइनस का होता है प्लस, निशान क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, वाई से माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, वाई बराबर आ गया 20 वर्ष। ठीक है जी, ये जो 20 वर्ष निकल के आया है वो निकल गया सोनू की आयु, क्या निकल गया, किसकी निकल गया, सोनू की आयु निकल गया। अब ये क्या करेंगे हम, देखो नूरी की आयु ज्ञात करना है, तो नूरी की आयु ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे,
ये जो y का मान निकला है वो समीकरण एक में लग देंगे, ठीक है। तो लिखेंगे y का मान समीकरण एक में रखने पर, एक में रखने पर, ठीक है जी। और समीकरण एक क्या है बच्चों आपके पास, समीकरण एक है ये रहा देखो, x माइनस में 3y इक्वल टू माइनस का टेन। देखो आपकी मर्जी है, आपकी ये जो वैल्यू आप चाहो तो समीकरण दो में भी रख सकते हो, ठीक है ना, ये आपकी मर्जी थी। अगर समीकरण एक में रखेंगे तो भी आपका सही आंसर आना है, समीकरण दो में रखेंगे तो भी आपका आंसर सही आना है, इस बात में कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो देखो जहाँ पे y है मुझे क्या करना है, देखो यहाँ y नज़र आ रहा है तो y की जगह क्या रखना है मुझे 20 लिखना है, क्योंकि y का मान क्या निकल गया आपके 20 निकल गया है, और इनके बीच में कोई निशान नहीं होता तो इनके बीच में क्या होता है गुणा का निशान, तो मैं गुणा का निशान लगा कर y के लिए 20 लिख दिया, ठीक है। और माइनस का 10, तो x माइनस में ये होगा 20 या 60 और ये होगा माइनस का 10, तो x इक्वल टू होगा माइनस का 10 और 60 इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो x इक्वल टू होगा 50 होगा, ठीक है जी। ये 50 निकल गया, तो x क्या माना था हमने नूरी की आयु, तो अतः नूरी की आयु हो गई आपके पास, नूरी की आयु ये तो हो गई आपके पास 50 वर्ष, और जो सोनू की आयु है हमने उसको माना था y, और जो y की वैल्यू निकल के आया मेरे पास निकल के आया 20, ठीक है। तो सोनू की आयु हो जाएगी आपके पास 20 वर्ष। इस तरीके से आपका ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन, दूसरे का फर्स्ट पार्ट और दूसरे का सेकेंड पार्ट दोनों क्या हुआ यहाँ पर खत्म हुआ। और देखो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन रदर देन ना मतलब आसानी होता है अगर आप सही से स्टेटमेंट को पढ़ें और उसकी मदद से अगर आप सही इक्वेशन जनरेट कर दें तो फिर क्या होता है आसान हो जाता है। देखो और इक्वेशन वाला क्वेश्चन एक्चुअली हमारे प्रैक्टिकल जीवन संबंधित होता है, इसलिए स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन से आपको घबराना नहीं है, अच्छे से समझना है, अच्छे से प्रैक्टिस करना है, और कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी इस तरीके के क्वेश्चन आता है, इसलिए आपको ध्यान से और ध्यान समझने का प्रयास करना है, ठीक है। ध्यान से समझ कर प्रयास अच्छे से करो तो आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, इस बात में कोई डाउट नहीं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये जो वीडियो है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को क्या मिल पाए, मदद मिल पाए, ठीक है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि उन बच्चों की आप मदद करो, और इस चैनल के साथ आप बने रहो, क्योंकि चैनल के इस चैनल पर मैं आपके इस क्लास का सारा वीडियो डालने, सारे एनसीईआरटी का सारे सारे चैप्टर्स के वीडियो धीरे धीरे करके मैं डालने वाला हूँ। तो जैसे जैसे आप शो करते जाएंगे आपको वीडियो अगला नया नया मिलता जाएगा, इस बात में कोई शक नहीं, ठीक है ना। तो प्लीज़ अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो ऐसे सब्सक्राइब कर लो, है ना। और अगर आप पहले से इस वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं ना, इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, तो मैं आपको बहुत 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 धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि आप इस वीडियो के साथ, इस चैनल के साथ बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हो, ठीक है। थैंक यू।